हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 40X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना आप अपने फोन को रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को रीस्टार्ट किया जा सकता है, कैसे? देखिए, इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है। सेटिंग के इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये स्पेशल फंक्शन पे टैप करना है। इसके अंदर आपको पेज को ऊपर करना है तो आपको नीचे की एक्सेसिबिलिटी पे टैप करना है। अब यहां पर आपको इसे एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस पेज में एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट ये जो लिखा हुआ है ना, इसके नेम के ऊपर ही आपको टैप करना है। ऐसे तो आपका पेज आएगा, इसमें आपको नीचे अलाउ पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में दो ऑप्शन मिलते हैं ऊपर नीचे, ठीक है? तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि पहले ऑप्शन को थोड़ा सा यूज करने में और इसे समझने में थोड़ी आसानी रहती है, ठीक है? तो आपको ये टैप एक्सेसिबिलिटी बटन के सामने बॉक्स है, बॉक्स पर टैप करना है। बॉक्स में राइट टिक लगेगा। अब आपको नीचे से सेव का बटन टैप करना है तो आपका ये एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट के सामने वाला ये जो बटन है, ये बटन आपका ऑन हो जाता है। और जैसे ये बटन ऑन होता है ना, तो आपके फोन के सबसे नीचे बॉटम साइड पे देखिए, ये एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का एक ये बटन जो है दिखाई देने लगता है। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का शॉर्टकट बटन है, ये देखिए कोने में आपको ये सभी जगह आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से आप इस बटन का यूज ना कभी भी किसी वक्त आप इसका कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए करना ही है, ये जो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का शॉर्टकट बटन है, इसे टैप करना है। आपका एक पेज आता है, इस पेज को लेफ्ट और राइट कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो देखिए, इस पेज में आपको ये पावर का ऑप्शन है, पावर पर टैप करना है। आपका इस तरीके से पेज ओपन होता है। अब इस पेज में रीस्टार्ट का ये जो ऑप्शन है, रीस्टार्ट पे उंगली से दबा के रखना है थोड़ी देर तक, 2-3 सेकंड तक, फिर इसके बाद छोड़ देना है। इससे आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होके ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा, यानी कि आपका फोन रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों, ये एक तरीका है मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को रीस्टार्ट करने का। तो आज की इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस सेटिंग को आप अपने फोन में यूज करके देखिए।